नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आलिया भट्ट और करण जौहर के रिश्ते को कौन नहीं जानता, जो यहां कुछ एक खास रिश्ता ये बनाकर चलते हैं। वहीं आलिया भट्ट करण जौहर को अपने पिता समान भी मानती हैं, उनको पिता भी बोलती हैं, क्योंकि करण जौहर ने ही आलिया भट्ट का बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू कराया था। हालांकि उनके पिता महेश भट्ट एक मशहूर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उसके बावजूद करण जौहर ने ही आलिया भट्ट का स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से डेब्यू कराया था, जिसके बाद आलिया भट्ट ने एक से एक परफॉर्मेंस करके, एक से एक मूवी लाकर और अलग से अलग एक्ट निभाकर फैंस के दिल में अपनी अलग ही जगह बनाई है। आज आलिया भट्ट को अच्छी बड़ी एक्ट्रेस में चुना जाता है, पूछा जाता है और नाम भी आता है, क्योंकि आलिया भट्ट ने स्टार किड होने के बाद भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसमें उनको महेश भट्ट की बेटी नहीं बल्कि आलिया भट्ट कहा जाता है। वहीं महेश भट्ट को देख कर आलिया भट्ट के पिता हैं ये कहा जाता है। वहीं हम बात करेंगे करण जौहर और आलिया भट्ट की। करण जौहर ने आलिया भट्ट के साथ काफी ऐसी फिल्में हैं जो डायरेक्ट की हैं। आलिया भट्ट ने करण जौहर की काफी फिल्मों में काम किया है और ये दोनों बहुत ही खास रिश्ता रखते हैं। इसी बीच करण जौहर को लेकर स्टेटमेंट आया है, जिसमें करण जौहर ने बोला है कि मुझे आलिया की सफलता से डर लगता है। जी हाँ, उनका ऐसा बोलना एक अजीब चौंकाने वाला सच लग रहा है, लेकिन हम इसके पीछे का खुलासा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ऐसा करण जौहर ने क्यों बोला। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। आलिया भट्ट ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है। अपनी शानदार अभिनय से अभिनेत्री ने करोड़ों के दिलों पर राज करने लगी है। उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाकर खुद को साबित कर दिया है, जिसके बाद अब उनको लॉन्च करने वाले करण जौहर का बयान सामने आया है, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि वह अब आलिया की सफलता को देखकर डर गए हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट की हर एक फिल्म सुपरहिट साबित हो रही है, जैसे कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हाईवे, गली बॉय राजी और गंगूबाई जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाकर खुद को साबित कर दिया है कि अगर किसी भी तरह की फिल्म हो आलिया कर सकती हैं। उनकी हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देती है। आपको बता दें कि आलिया भट्ट को लॉन्च करने वाले करण जौहर हैं। करण जौहर ने आलिया भट्ट को अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लॉन्च किया था। करण जौहर ने हाल ही में आलिया को लेकर कहा कि वो अब बॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस में से एक बन गई है। करण का कहना है कि आलिया ने अपने करियर में बहुत जल्द सब कुछ पा लिया है, ऐसे में एक्ट्रेस को हमेशा खुद को टॉप पर रखना होगा। करण ने अपनी बात बताते हुए आगे ये भी कहा कि उनके साथ साथ शाहरुख का भी यह मानना है। शाहरुख मानते हैं कि आलिया ने अपने करियर में जो कुछ भी पाया है वो बहुत जल्दी है, ऐसे में उन्हें ये बनाए रखने की जरूरत है। करण का कहना, ये बयान सुनकर लोगों का कहना है कि वह और शाहरुख गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इतने कम समय में आलिया ने जो कुछ पाया वो काफी बड़ी बात है। सभी लोग इतनी जल्दी इतनी तरक्की नहीं कर पाते हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।